यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काल सर्प के लक्षण और इससे संबंधित दुविधाएं। मित्रों, आज के समय जिस दोष, जिस योग की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो काल सर्प योग। ये निश्चित है कि इस योग की वजह से हमें शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक इत्यादि क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये निश्चित है। आप अपनी कुंडली द्वारा जान सकते हैं कि आपके ऊपर काल सर्प योग है या नहीं, परंतु काल सर्प के कुछ लक्षण हैं जो जीवन में जब घटित हों तो ये संकेत मिलते हैं कि आपके ऊपर काल सर्प योग है। मान लीजिए जिसकी कुंडली नहीं है, उसको अपना जन्म समय वगैरह नहीं मालूम है, तो भी उसको ये लक्षण दिखाई दें या अनुभव करे तो वो समझ ले कि उनके ऊपर काल सर्प योग का प्रभाव है। दूसरी प्रमुख दुविधा क्या है कि काल सर्प योग के बारे में कि इसका पूजन कहाँ करना चाहिए, कहाँ कहाँ करना चाहिए और उसके समान उपाय कौन से हैं, इन सब की जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। बस निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। मैं आपका एस्ट्रोल श्रीवास्तव संगम की धरती प्रयागराज से आप सभी को मेरा जय सिया राम। आपके कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं, या अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, समय ले लीजिए और विस्तार से चर्चा होगी मोबाइल पे। काल सर्प योग से जो जातक प्रभावित होते हैं उन्हें प्रायः सपने में सर्प दिखाई देते हैं। जातक अपने कार्यों में अथक परिश्रम करते हैं परंतु आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, हमेशा मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं और इस कारण सही निर्णय डिसीजन लेने में असमर्थ रहते हैं। अकारण शत्रुता मिलती है, गुप्त शत्रु सक्रिय होते हैं जो कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं। पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो जाता है, विवाह में विलंब या वैवाहिक जीवन में तनाव के साथ विच्छेदन यानी सेपरेशन डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है। अच्छा, अब मान लीजिए कुंडली में काल सर्प योग है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव यानी अनिष्टकारी समय कब उस जातक को प्राप्त होता है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कुंडली में तो परमानेंट ही है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कब हमको मिलेगा। तो मित्रों, राहु और केतु से काल सर्प का निर्माण होता है, अतः जब भी राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा आए तो जातक के ऊपर काल सर्प योग का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, या राहु की महादशा में शनि या सूर्य या मंगल की अंतरदशा आ जाए तो सर्वाधिक अनिष्टकारी समय उस जातक के लिए होता है। दूसरा, जीवन के मध्यकाल यानी 40 से 45 वर्ष की आयु में काल सर्प का प्रभाव जातक पर ज्यादा होता है। और तीसरा, ग्रह गोचर में जो वर्तमान या ग्रहों की स्थिति है, जब काल सर्प योग का निर्माण हो तो काल सर्प का प्रभाव उस जातक पर ज्यादा होता है। ऐसी अवस्था में जातक के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक क्षेत्रों में परेशानियां आना चालू हो जाती हैं और बहुत ज्यादा आती हैं। अतः काल सर्प की शांति, काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक हो जाता है और साथ में कुछ छोटे छोटे उपाय भी करना अति आवश्यक होता है। वो छोटे उपाय क्या हैं उसकी जानकारी हम आपको दें, उसके पूर्व ये जान लेते हैं कि काल सर्प योग की शांति कहाँ कहाँ हो सकती है, वो स्थान कहाँ कहाँ है जहाँ हम इसकी पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो सबसे पहले काल सर्प योग की शांति किसी पवित्र नदी तट, नदी संगम, नदी के किनारे शमशान, नदी के किनारे स्थित शिव मंदिर या किसी भी नाग मंदिर में की जाती है। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज में नागवास के मंदिर सबसे श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ काल सर्प योग की शांति के लिए गंगा यमुना का संगम है। मुख्य घर में नागवासुकी जी विराजमान हैं और गीता में तो भगवान ने स्वयं कहा है कि नदी में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ और नागों में मैं नागवासुकी हूँ, जो प्रयागराज में स्थापित हैं।
इसके अलावा और किस किस स्थान पर काल सर्प योग की शांति हो सकती है वो हम आपको बताएं उसके पूर्व ये अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि ये पूजा घर में यानी निवास स्थान पर कभी नहीं हो सकती। रुद्राभिषेक तो घर में किया जा सकता है किंतु काल सर्पयोग की शांति निवास स्थान पर नहीं करनी चाहिए। आइए अब उस स्थान की बात करें जहां काल सर्पयोग की शांति होती है शास्त्रगत। तो पहला स्थान तो तीर्थराज प्रयाग हो गया नागवासुकी जी मंदिर में, इसके अलावा हस्ती शिव मंदिर तिरुपति जी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, त्रियोगी नारायण मंदिर केदारनाथ, श्री नागेश्वर मंदिर जिला तंजौर, सिद्ध शक्तिपीठ कालीपीठ कलकत्ता, गरुड़ गोविंद मंदिर छटीकारा गांव एवं गड़ेश्वर मंदिर बड़ोदरा, नाग मंदिर चैत गांव मथुरा, चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश, मनसा देवी मंदिर चंडीगढ़, नाग मंदिर ग्वारीघाट जबलपुर, महाकाल मंदिर उज्जैन। ये पूजा इस स्थान पर कराई जाती है, परंतु ये ध्यान रखा जाए कि सामूहिक पूजा नहीं करवानी चाहिए। आपके ही निमित्त ब्राह्मण के द्वारा ये पूजा संपन्न की जाए जो आपके लिए ही करें। पूजा में राहु का जप केतु का जप अति आवश्यक है, बिना इनके पूजा किए काल सर्प की पूजा पूरी नहीं होती। आइए आप कुछ और उपाय की बात करें जो हमें अक्सर करते रहना चाहिए। यदि कुंडली में काल सर्प योग हो तो रुद्राभिषेक यदा कदा करवाते रहना चाहिए। शिवलिंग पर मिश्री मिला जल या लावा मिला जल प्रत्येक पंचमी को शिवलिंग पर अर्पित करते रहना चाहिए। पूजा स्थल पर श्री कृष्ण की मोर पंख युक्ति मूर्ति का नियमित पूजन करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। निवेदन, इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं है, या आप काल सर्प की पूजा करवाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।